आपको सब कॉन्शियस नहीं करते हैं, लेकिन ब्रेन मैपिंग की जाती है, ब्रेन मॉनिटर किया जाता है, आपके दिमाग में घुसने की कोशिश की जाती है। और क्या कुछ खास रहता है पॉलीग्राफिक टेस्ट में, फिजियोथेरेपिस्ट माफ कीजिएगा साइकोलॉजिस्ट जो आपके साथ बैठता है, किस तरीके से आपके ब्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करता है, कैसे ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, ये सुनिए। आप देखिए यथार्थ अस्पताल के डॉक्टरों का एक पैनल है और एक यहां पर पेशेंट है, और आप इसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि नार्को टेस्ट जो आफताब का होगा कुछ इसी तरीके से होगा। उसमें एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी होगा यानी कि पुलिस के लोग होंगे, डॉक्टरों का एक पैनल होगा, अलग अलग विभाग के जो एक्सपर्ट होंगे अपने विभाग के, और वो उनकी निगरानी में नार्को टेस्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। हमारे साथ में डॉक्टर रेणु पालीवाल हैं जो सीनियर डॉक्टर हैं और इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैम ये बताइए कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में क्या फर्क होता है। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे कि हम मरीज को कॉन्शियस लेवल जो उसकी चेतना है उसे नीचे लाते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो एक आम इंसान होता है जब वो कॉन्शियस होता है जिसे हम कहते हैं जैसे नॉर्मल की तरह से, तो वो नेचुरली झूठ बोल सकता है। पर जब हम उसको इसमें हम कुछ दवाई देते हैं जिससे मरीज, आप समझ लीजिए एक आम भाषा में, एक बेहोशी की अवस्था में जाता है, मतलब वो कंप्लीट बेहोश नहीं होता पर वो एक बेहोशी की अवस्था में जाने के बाद पर आप उससे कुछ पूछेंगे तो बोलेगा, उसके इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं, मतलब उसका अपना ब्रेन पे कंट्रोल लूज होने लगता है। जैसे जैसे आप मरीज को बेहोश करते जाते हैं मरीज होश में आपको लगेगा पर अंदर से उसका ब्रेन पे कंट्रोल जाता जाता है, तो जो आप पूछेंगे तो वो आपको जवाब दे सकता है। तो नार्को टेस्ट इसीलिए कि उसके उसके दिल के अंदर या उसके दिमाग की परतों में क्या छिपा है, जो उसने किया है वही जानता है, तो वो शायद आपको सच उगल सकता है, तो इस वजह से नार्को टेस्ट है। पर क्योंकि कई मरीज जैसे कि बहुत प्रकार की दवाइयां लेते हैं तो हम एनेस्थीसिया वगैरह भी देते हैं, तो हम देखते हैं कि उनपे काफी ज्यादा दवाई से असर नहीं होता, और वैसे हमें मरीज को वहां पर कंप्लीट बेहोश करना होता है, यहां हमें मरीज को होश में भी रखना है। तो कई मरीज क्या होते हैं कि आप दवाई देंगे तो वो आपको लगेगा कि बेहोशी में जा रहे हैं पर वो उन्होंने अपनी इतनी चेतना खोई नहीं होती। यदि उन्हें चेतना खोई नहीं है, यदि उनका कंट्रोल है, तो नेचुरली तब भी बातें बना सकते हैं। यानी कि अगर नार्को टेस्ट किसी को हो रहा है उससे पहले जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या मॉनिटर किया जाता है? पॉलीग्राफ टेस्ट में उसका ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट, उसका ECG, उसका ब्रेन की मॉनिटरिंग, उसका सारा कुछ करा जाएगा। क्योंकि यदि वो आपके सामने बातें बना रहा है पर सपोज उसने खून किया तो उसे अंदर से डर लगा, बाहर से उसने कहा कि मैंने नहीं किया, पर अंदर से उसके दिमाग में यदि एक सेकंड के लिए भी ये थॉट आया तो आपके पैरामीटर्स जो है वो मूव कर जाते हैं। जैसे कि हमारे मरीज जब बेहोश होते हैं, सर्जरी चल रही होती है, तो बाहर से हमें कैसे पता चलता है, हम लोग अपनी सारे 6-6 घंटे 10-10 घंटे की सर्जरी कंट्रोल करते हैं सिर्फ लाइक अ पॉलीग्राफिंग टेस्टिंग, क्योंकि हम उसके ब्रेन को अपने हाथ में कंट्रोल करते हैं, उसका हार्ट एंड ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू उसके ब्रेन के लेवल में क्या चल रहा है वो शो करेगा। मरीज को दर्द है, मरीज बेहोश है, वो बोलेगा नहीं। यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट में मरीज मरीज की फिजियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, और वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ यदि वो नहीं भी बोला तो भी उसके ब्रेन में जो आपने सोचा, उसको दर्द हुआ, उसने बोला नहीं, बेहोश मरीज ICU के अंदर है, इसीलिए मॉनिटरिंग चलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट। कि आपको मरीज तो कितने मरीज तो गुंगा भी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि मरीज को क्या हो रहा है, क्योंकि मॉनिटरिंग बताएगी। और अब जबकि बहुत जल्द पॉलीग्राफ टेस्ट होगा आफताब का, लेकिन नार्को टेस्ट करवाना है पुलिस को आफताब का ताकि सच उगलवाया जा सके। ऐसे में जबकि पॉलीग्राफ टेस्ट होता है किसी तरह का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, ना ही मेडिसिन दी जाती है, लेकिन नार्को टेस्ट में इसकी जरूरत पड़ती है। किस तरह की ये प्रक्रिया है, विशेषज्ञ डॉक्टर से कई सवाल के जरिए हमारे सहयोगी रवि सिंह यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट की क्या कंडीशन है, जैसे मान लीजिए पेशेंट, अगर थोड़ा सा आप समझाएं पेशेंट को देखते हुए, मान लीजिए इनका अगर नार्को टेस्ट हो रहा है तो हमारे पास तो हर ड्रग का जैसे आप पेटाथॉल देंगे।